لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد أهلا مبارك رمضان كي بندرمد كدواء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمان الخائفين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما مبارك رمضان كي فندر كي دعا كي مختصر وضاحت سقبل قبل عصمان اسمت كي دوسرے सितारबनाक इम हसन मुशतबा आलात वाम की विलादत बासादत, कि आप तमाम नाजरीन को तबरीक मुबारकबाद है और आपकी तरफ से और अपनी जानिब से हम सब के वाले वारिस मुंजब बशरियत हजत आल मोहम्मद जिनके हम सब मंतज़िर हैं इमाम ज़मान आ सलातम की खदमत में ये मुबारकबाद पेश करते हैं इस दुआ के साथ कि खुदा इस दिन की ईदी हमारी हमारे इमाम का जहूर हो और हमें ये तौफीक मिले कि हम इमाम के रकाब में शरीक हो सकें और आपके दीन की और आपकी खिदमत कर सकें आज की इस पंद्रहवें दिन की दुआ में हम बारगाह खुदा में ये इल्तिजा करते हैं ये तकाजा करते हैं ये दुआ करते हैं कि खुदाया मर ज़ुखनी फ़ी ही तातल ख़ा शेरज़ुनी का लफ्ज़ इसके हवाले से मैंने पिछले किसी दिन की दुआ में भी मुख्तर वजाहत की थी कि हमारी नज़र में रिस्क जो होता है आम तौर से रिस्क हम खाने पीने को समझते हैं रिस्क खाने की चीज़ों को कहते हैं रिस्क रोज़ी को हम कहते हैं लेकिन आइम आल सलाम की तलीमत में रिस्क का मफहूम बहुत वसी है मिसाल के तौर पर बसाओक़ात नमाज शब के लिए भी रिस्क़ के लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है दुआ के लिए भी रिस्क के लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है मुनाजात के लिए भी रिस्क के लफ्स का इस्तेमाल हुआ है। इन तमाम चीज़ों के लिए जो रोज़ी की हैसियत नहीं रखते इनका ताल्लुक खाने पीने से नहीं होता लेकिन इनके लिए रिस्क़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इससे यह अंदाज़ा होता है कि रिस्क सिर्फ़ उस मादी रिस्क को और उस मादी रोज़ी को नहीं कहते हैं कि जो हमारे जिस्म की ज़रूरतों को पूरा करे जो हमारी जिस्मानी ज़रूरियात को जिस्मानी हाजतों को पूरा करे, बल्कि रोज़ी का मफहोम रिस्क का मفयूं, आम मफहम है वो चीज़ें जो हमारी रूहानी ज़रूरतों को भी पूरा करें वो चीज़ें जो हमें रूहानी एतबार से सैराब करें उनको भी रिस्क और रोज़ी के अनवान से याद किया जा सकता है बल्कि उन पर यहनवान बहुत मुकम्मल तौर पे सादक आता है क्योंकि जैसे जिसम भूखा होता है वैसी रूह भी भूखी होती है जिस्म की भूख खाने पीने से मिट जाती है जिस्म की प्यास पानी पीने से मिट जाती है लेकिन रूह की भूख न खाने से मिटती है न पीने से मिटती है रूह की भूख मार्फत खुदा से मिटती है रूह की भूख मुनाजात से मिटती है रूह की भूख परवरदिगार से मिटती है रूह की भूख अब्द और मबूद के दरमियान में जो लगाव होता है जितना लगाव कवि होता जाता है उतना ही ज़्यादा रूह सेराब होती जाती है यही वजह है आज के दिन की दुआ में जो तकाजा है बारगाह ख़ुदा में जो अल्तजा है बारगाह खुदा में खुदाया मरजुकनी कातल खाशन खुदायाँ आज का वो दिन कि जो दिन शहज़ादी ज़हरा सलाम्ला के घर इमाम हसन मुशतबा सलात वाम की विलादत का दिन है आज का वो दिन कि जो नवास रसूल के इस दुनिया में आने का दिन है इतना अवीम और बाबरकत दिन है खुदाया आज के दिन का वास्ता देके तेरी बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि वो लोग कि जो तेरे खाश बंदे हैं वो लोग कि जो तेरी बारगाह में अपनी रूह और अपने जिस्म को और अपने कल्ब को बड़े तोज़ों के साथ बड़े झुकाव के साथ तेरी बारगाह में पेश करते हैं बड़े तोज़ों के साथ तेरी बारगाह में वो आते हैं बड़े खुश वजूक के साथ तेरी बारगाह में आते हैं खुदाया मेरी इतात और पैरवी को उन लोगों जैसी एतात और पैरवी बना दे मेरी एतात भी वैसे ही हो जैसे तेरे ख्वाश बंदों की है लफ्ज़ खुशु की मुख्तसर सी वजाहत करता चलूँ कि देखिए खुशु का माना क्या है खुशु का मफ़ो क्या है खुशु का मफ़ो अगर माना समझना है तो हमें इसकी ज़िद के मफो को समझना होगा खुशु की ज़िद क्या है अगर हम उसके मफोम से आशना हो जाएंगे तो खुशु का मफ़ो ख़ुद ब खुद हमारे लिए आगा हो जाएगा खुद ब खुद खुश वाज़ हो जाएगा खुशु के मफहम को हम आसानी से समझ जाएंगे। खुशु का जो ऑपोज़िट है उसके जो मुकाबल में उसकी ज़िद जो है वो है तकबर किब्र तकबर क्या है यानि तक तकबर का मतलब खुद को बड़ा समझना खुद के अंदर किबरियाई का एहसास लाना देखें किब्र वहीं आता है तकबर वहीं आता है कि जहाँ इंसान ग़लत फ़हमी का शिकार हो जाए ख़ुद से मतलब गलत तस्व्र ख़याल का शिकार हो जाए यानी जो लियात व सलाहियत उसमें ना पाई जाए ना पाई जाती हो और मौजूद ना हो इंसान ख़ुद को उस लिखत और सलाहियत और उस मनसब का मालिक समझ बैठे और अपने अंदर उस मनसब के होने यानी उस जाली मनसब और गोया गोया ग़ैर हकीकी मनसब के जो उसके अंदर नहीं पाया जाता है उसको समझ कर दूसरों के सामने गोया अपनी बुज़र्गी का इज़हार करे दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा जताए इसको कहते हैं किब्र इंसान अपनी बुज़र्गी जताने के लिए और गोया अपनी इस खामा ख़्याली को लोगों के सामने नुमाया करने के लिए बड़े गुरूर और घमंड के साथ चलता है लोगों के सामने अपनी बुज़र्गी जताता है दूसरों को ख़ुद से हक़ीर समझता है दूसरों को जबकि वो इस लायक नहीं होता जबकि उसके अंदर बुज़र्गी जताने के अनासर नहीं पाए जाते उसमें कोई भी ऐसी ख़ूबी नहीं पाई जाती कि जिसके सबब वो दूसरों के आगे बुज़ुर्गी जताए मिसाल के तौर तो पर किब्र की नुमाया मिसाल और नुमाया गया मसदा कौन है शैतान है शैतान ने जब परवरदिगार के हुक्म के बाद सजदे से इनकार किया तो खुदा ने उससे यही कहा माँ मनाका आका तस् जुदा किस चीज़ ने तुम्हें रोका कि तुम सजदा करो फिर उसके बाद मुतद मकाम में कुरान मजीद में इस क़स्से को अलग अलग जहद से नकल किया है। एक जगह आलम ने उससे सवाल कि अस्तबरता क्या तुमने इस्तबार किया है अपने आप को बुजुर्ग समझ लिया है तुमने हमारे हुक्म से जो ना हमारे हुक्म की जो नाफरमानी की और हुक्म उदुली, उदुली जो की है तो क्या तुम अपने आप को बुजुर्ग समझ बैठे हो अंतकुना मिनल आलीन या तुम ये सोच चुके हो कि तुम महारा वो आलीन में से आला मकाम जवात मुक़दसा मुकद्द, में से तुम्हारा शुमार होता है और तुम उनकी बजम के लोगों में से हो क्या तुमने ये ख्याल कर लिया है खुदा बंदे आलम क्या कहना चाहता है इबलीस ने जो सिफत उसमें नहीं पाई जाती थी उस सिफत से ख़ुद को मुत्तसिफ करना चाहा था जब इंसान किब्र करता है तो उसके नतीजे में किब्र का नतीजा रसवाई होता है किब्र का नतीजा स... सागरीन में शुमार होता है उसका पस्त लोगों में शुमार होता है इंसान का किब्र का नतीजा जिल्लत होती है किब्र का नतीजा गोया इंसान जिस चीज़ को हासिल करने के लिए जिस मकाम और अहदे को हासिल करने के लिए किब्र और किबरियाई जत आता है उससे महरूमी होती है इंसान को इंसान को नाकामी मिलती है इंसान शोहरत के बजाय ज़वाल और जिल्लत की तरफ़ जाता है ये हैब्र और ये हालत है ज़िद खुशु की जहाँ इंसान के अंदर ये हालत ना पाई जाए बिल्कुल उसके मुकाबिल की हालत हो वो है खुशू खुशु में इंसान तवाज़ो करता है खुशु में इंसान के अंदर कमाल ख़ूबियाँ होती हैं उसके बाद भी अपने आप को बुज़ुर्ग नहीं जताता है अपने आप को बुजुर्ग नहीं बनाता है बल्कि अपने खूबियों के बावजूद भी मशहूर व शहरत याफ्ता होने के बावजूद भी बाकमाल होने के बावजूद भी वो लोगों से झुक के मिलता है रिवायात में भी है इन्ना समाए मलकान मुकर्रबान अल्लाह ने आसमान में दो मुकर्रब फरिश्ते रखे हैं मवक्ला बिलआबाद के जो फरिश्ते बंदों के साथ हमेशा रहते हैं

बंदा अल्लाह के बंदों के दरमियान से जो बंदा भी तवाजो करता है ये फरिश्ते यानि ख़ुद को झुकाता है ये फ़रिश्ते उसको रिफात और बुलंदी अता करते हैं और जो कोई भी किबरियाई तकबर गुरूर व घमंड दिखाता है तो वज़ा हो ये उसे पस्त करते जाते हैं जिल्लत की तरफ़ ले जाते हैं और रसवाई देते जाते हैं तो खुदाया हमें तौफ़ीक़ अता कर हमारी इताअत हमारी नमाज़ें हमारी बंदगी हमारी दुआएँ इनमें तकबर ना आए हम में यह एहसास ना आए कि हम नमाज शब पढ़ते हैं हम में यह एहसास ना आए कि हम जमात में सबसे पहले जाते हैं हम में ये एहसास ना आए कि हम दुआएं बेहतरीन लहन के साथ पढ़ते हैं हम में ये एहसास ना आए कि हम तिलावत कुरान बेहतरीन आवाज़ में पढ़ते हैं हमारी किरत बहुत, बहुत अच्छी है हम तो सदक़ात अता करते हैं हम तो खैरत करते हैं ये एहसास ना आए बल्कि हम में एहसास ये हो कि इमाम मासूम भी है जब लोगों ने कहा कि आप हम हमारे साथ हज पर चलिए इमाम ने इस शर्त पे हम जाएंगे इमाम ने कहा कहा इस शर्त पे तुम्हारे साथ जाएंगे कि तुम लोगों के दरमियान ये मशहूर नहीं करोगे कि ये रसूल ज़्यादा हैं ये फ़र्जंद रसूल हैं चौथे है इमाम का अख़लाक देखिए आप इसे कहते हैं तवादो हम बारगह खुदा में क्या दुआ करते हैं खुदाया हमें ऐसे मुतवाज़ बंदे और ऐसे मुतवाज़ इतात गुजार बंदों की इतात की तोफीक़ अता कर हमारी इतात भी इन जैसी हो जाए वशरफ़ी ही सदरी बे इनाबतलमतिन और तेरे जो नेक बंदे हैं तेरे जो तेरे जो दिलदादा बंदे हैं जो तेरे तुझसे दिल लगाए हुए हैं हमें तोफ़ी अता कर कि हम भी उन्हीं जैसे उन्हीं नेक बंदों जैसी हमारी भी दुआएँ हों हमारी भी बंदगी हो बेअमान कया अमान अलफी ए खौफ़जदा लोगों को ऐ उन लोगों को अमान देने वाले के जिन जिनके दिलों में खौफ है बारगा खुदा में दुआ है खुदा हमारे इस दिन की दुआ को कबूल फरमा में राहमति الله वबरकू